हमारा जो हमने उसमें जो है हार्ट ऑफ द डार्कनेस में तीन स्टेशन के बारे में पढ़ा था, आउटर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन एंड द इनर स्टेशन। यहाँ पे भी जनाब तीन सेक्शन आ रहे हैं, दैट इज द विंडो, टाइम पासेस एंड द एंड टू द लाइट ऑफ। ठीक है, तीन सेक्शन अगेन। नाउ लेट्स सी कि हर सेक्शन में क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्री सेक्शंस इन टू द लाइट हाउस। सेक्शंस कौन कौन से हैं? द विंडो, टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस। ये जनाब लाइट हाउस होता है, ये इर्द-गिर्द समंदर होता है, और इसको देख के जो है अंदाजा करती हैं शिप्स के हमने किधर को जाना है। अच्छा जी, और उनको रास्ते का पता चलता है कि रादर दे हैव टू गो फ्रॉम द राइट और लेफ्ट। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। द पैसेज ऑफ द टाइम फॉर एग्जाम्पल इज मॉड्यूलेटेड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कैरेक्टर रादर देन बाय द क्लॉक। अब इसमें जो पैसेज फॉर द टाइम है वो मॉड्यूलेट होता है बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कैरेक्टर रादर देन क्लॉक। के हिसाब से पैसेज ऑफ टाइम नहीं वो देखा जाता, बल्कि कॉन्सिक्वेंसेज जो कैरेक्टर्स के साथ हुआ उनके हिसाब से। द इवेंट्स ऑफ अ सिंगल आफ्टरनून कॉन्स्टिट्यूट ओवर हाफ द बुक। और इवेंट्स ऑफ सिंगल आफ्टरनून जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है ओवर हाफ द बुक, व्हाइल द इवेंट्स ऑफ द फॉलोइंग 10 इयर्स आर कंप्रेस्ड इनटू फ्यू डजन पेज। ठीक है, इवेंट्स ऑफ एक सिंगल आफ्टरनून जो द विंडो है उसको हाफ अ बुक के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, जो अगर आप बुक देखें थ्रू द लाइट हाउस की, तो जो पहला सेक्शन है वो आधी किताब के ऊपर बेस करता है, जबकि जो इवेंट्स ऑफ द फॉलोइंग 10 इयर्स जो हैं उनको कुछ डजन पेजेस के अंदर दिखाया गया है, लिखा गया है। मैनी रीडर्स ऑफ द टू द लाइट हाउस स्पेशली दोज हु आर नॉट वर्स्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निस्ट फिक्शन फाइंड द नॉवल स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट। ऐसे रीडर्स जिनको टू द लाइट हाउस जो है मुश्किल लगता है, जिनको पता नहीं होता ये ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निस्ट फिक्शन, मॉडर्न फिक्शन के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फिक्शन। इट्स लैंग्वेज इज डेंस एंड द स्ट्रक्चर अमॉर्फस। इसकी जो लैंग्वेज है वो डेंस होती है और स्ट्रक्चर अमॉर्फस है। कंपेयर्ड विद द प्लॉट ड्राइवन विक्टोरियन नॉवेल्स दैट केम बिफोर इट टू द लाइट हाउस सीम्स टू हैव लिटिल इन अ वे ऑफ एक्शन। अगर एक्शंस की बात करें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक आफ्टरनून की बात होती है जहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी होती है, और एंड में जो है जेम्स और कैम जो है वो अपने फादर के साथ जाते हैं, लाइट हाउस पहुंच जाते हैं, इधर से लिली ब्रिस्को की जो है पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो टू द लाइट हाउस तो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर एक्शन ही कोई नहीं है। इनडीड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इवेंट्स टेक प्लेस इन द कैरेक्टर्स माइंड। क्यों? क्योंकि जितने भी इवेंट्स हैं वो तो कैरेक्टर्स के माइंड में हो रहे हैं, तो एक्शन से इसका ताल्लुक नहीं है। मेमोरी इज द बेसिक कैरेक्टर इन दिस नॉवल रादर देन द कैरेक्टर्स इटसेल्फ। तो कैरेक्टर्स के माइंड में के अंदर इवेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, कैरेक्टर्स खुद कुछ नहीं कर रहे। दिस स्टाइल अलाउज द सब्जेक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ वोल्फ कैरेक्टर्स टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव कंटेंट ऑफ हर नैरेटिव। और ये स्टाइल जो है अलाउ करता है एक सब्जेक्टिव मेंटल प्रोसेस को, जो आपका जो है पर्सनल आपका एक मेंटल प्रोसेसेस है ऑफ वर्जीनिया वॉल्फ कैरेक्टर जो कि उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव कंटेंट। ऑब्जेक्टिव कंटेंट क्या होता है? जो बीइंग एन ऑब्जर्वर हम किसी को विजुअलाइज करते हैं और उसके बारे में जो हमारा जाती ख्याल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो है मदीहा के बारे में, उस्मा के बारे में क्या ख्याल है, दैट इज माय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, दैट इज माय सब्जेक्टिव मेंटल प्रोसेस जो मेरे दिमाग में चल रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्या है वो मेरे स्टूडेंट्स है और मैं दिमाग में ये सोच रही हूँ। और अक्सर जैसे नॉर्मली मैं टेस्ट चेक कर रही होती हूँ तो मैं देख रही होती हूँ, अच्छा यार ये अगर स्टूडेंट्स ऐसे कर लेती ना तो इसको थोड़ा सा यूं हो जाना चाहिए था, और ये वो सेम इज द केस विद मिसेस रामदेव। मिसेस रामदेव भी यही करती थी, इसकी शादी अगर उसके साथ हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, उसकी शादी उसके, वो शी वॉज अ गुड मैच मेकर। ठीक है, तो और वो हमेशा जो है वो ख्यालात में ही बहुत सारे काम अपने करती रहती थी, और ये नॉर्मली घरेलू खवातीन की ये हैबिट होती है कि वो ख्यालात में ही हम बहुत सारे काम अपने कर लेते हैं। उसके बाद सेक्शन वन द विंडो पार्ट वन स्पैन अप्रोक्सीमेटली 7 hours एंड टेक अप मोर देन हाफ द बुक। पार्ट वन जो है अप्रोक्सीमेटली उसमें 7 hours का स्पैन है। ठीक है, जस्ट 7 hours और टेक अप मोर देन हाफ द बुक, और आधी से ज्यादा किताब के ऊपर ये पार्ट वन छाया हुआ है।
It's set at the Ramses summer home, where the Ramses and their 8 children are entertaining a number of friends and colleagues. The window, his mother continued, his mother, Mrs. Ramsey, holds out hope that the weather will be good tomorrow so they can go to the lighthouse. But Mr. Ramsey is adamant that the weather will be awful, Charles translates. Numerous small bits of action occur. For example, after lunch, Mrs. Ramsey takes pity on Mr. Tansley and asks him to accompany her into the town. अब क्या होता है यहाँ पे number of small bits of action इधर ही होते हैं, the window में ही होते हैं, और जिसमें Mrs. Ramsey जो है उनको Tansley पे थोड़ी सी उनको तरस आ रहा होता है और वो कहते हैं चलो आओ, accompany करती है इनको to the town. By end of the trip, Mr. Tansley is in love with much older but still beautiful Mrs. Ramsey. By the way, she is 50. अच्छा जी, फिर क्या होता है कि later she sits in a window and reads a fairy tale to James. बाद में जब वो देखती है कि जेम्स जो है वो बड़ा परेशान परेशान सा है, तो वो उसको एक फेरी टेल सुनाती है टू जेम्स. मिसेस रामजे रिमेंबर दैट शी मस्ट कीप हर हेड डाउन फॉर लिली ब्रिस्को'स पेंटिंग. और फिर मिसेस रामजे को एकदम से याद आता है कि उसे लिली ब्रिस्को की पेंटिंग जो है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है. टू द एंड ऑफ द पार्ट, मिसेस रामजे गेट आउट ऑफ इट बाय स्माइलिंग एट हिम. और एंड ऑफ द पार्ट में हम देखते हैं मिसेस रामजे जो है वहां से बाहर आ जाती है, स्माइलिंग एट हिम एंड टेलिंग हिम दैट ही वाज राइट, द वेदर विल बी बैड टुमारो एंड दे विल नॉट बी एबल टू विजिट द लाइट हाउस. वो जो है अपने बेटे को कहती है, टेलिंग हिम दैट ही वाज राइट, कि वो ठीक कह रहा है, द वेदर विल, कि उसका बाप जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, द वेदर विल बी बैड, कि वेदर जो है वो बैड होगा टुमारो एंड दे विल नॉट बी एबल टू विजिट द लाइट हाउस. सेक्शन 2, टाइम पासेस. Part 2 compresses 10 years into about 20 pages. All the traditional important information in a story, read what happened to the character, is briefly imparted in brackets. We learn that Mrs. Ramsey, Prue Ramsey, daughter, and Andrew Ramsey, son, have died. और हमें पता चलता है कि ये लोग आधी family तकरीबन उसकी death हो जाती है. Mrs. Ramsey died at night. Prue died in childbirth after first getting married. And Andrew died when a shell exploded in France. Right. Section 3, to the lighthouse. It takes place at the summer house and begins with Mr. Ramsey and two of his children, Cam and James. Finally going to the lighthouse, Lily completed and painting that she never finished. Or finally, jab lighthouse mein ye log pahunchte hain, to Lily jo hai us painting ko complete karti hai jo wo kabhi bhi complete nahi kar saki thi. Lily never married but remained good friend with William Bankes. ठीक है, वो जो है कभी उसने शादी तो नहीं की, लेकिन William Bankes के साथ उसके अच्छे relations थे. Significance of the section lighthouse देख लेते हैं कि क्या है. कि lighthouse section instructs us that nothing is ever only one thing. कि कुछ nothing is ever only one thing, कि कोई भी चीज हमेशा एक ही आपका point या एक ही जाविया नहीं होता. ठीक है, हर चीज के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, हर चीज के, हर सोच के डिफरेंट अंदाज होते हैं, और हर कैरेक्टर के जो हैं वो जिसे कहना चाहिए डिफरेंट एक तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या उसके भी सोच के बहुत से अंदाज होते हैं. हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज पे नहीं फोकस कर रहे होते, या हम बाज़ औक़ात किसी के बारे में एक जो है वो बना लेते हैं, अपने जहन में एक परसेप्शन बना लेते हैं, लेकिन और हम ये सोचते हैं कि ये तो इंसान कभी सही होगा ही नहीं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. Lighthouse section instructs us that nothing is ever only one thing. How lighthouse appeared to James. ठीक है, lighthouse James के लिए क्या था. ठीक है, वो उसको कैसे परसीव करता था. When he was a boy and how it appears to him now that he is a man. कि किस तरह लाइट हाउस अपीयर होता है जेम के लिए, और व्हेन ही वाज अ बॉय, और जब वो एक बच्चा था, बॉय था, हाउ इट अपीयर्स टू हिम नाउ दैट ही इज अ मैन. ठीक है, अब उसके लिए वो लाइट हाउस क्या है, और इससे पहले वो लाइट हाउस उसके लिए क्या था. सीम समथिंग एल्स एंड मीनिंग समथिंग एल्स इज द केस
इन एवरी डे लाइफ, और जो है सीम समथिंग एल्स एंड मीनिंग समथिंग एल्स, वो एक केस है एवरी डे लाइफ का. दिस सेक्शन रिवील्स अस द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. कंक्लूजन देख लेते हैं. विंडो नॉट अ ट्रांसपेरेंट बट अ सेपरेटिंग शीट ऑफ ग्लास बिटवीन रियलिटी एंड मिसेस रामसे. इम्परफेक्शन ऑफ आवर नॉलेज, डिस्टेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. टाइम पासेस, रिवेजेस ऑफ वॉर, मैन अगेंस्ट मैन. मोर्टल मैन इज हेल्पलेस अगेंस्ट नेचर, द प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट फोर्स. अब जो है कंक्लूजन हम देख लेते हैं और उनके सिग्निफिकेंसेस भी देख लेते हैं कि विंडो जो है वो नॉट अ ट्रांसपेरेंट बट अ सेपरेटिंग शीट ऑफ ग्लास थी बिटवीन रियलिटी एंड मिसेस राम से. ठीक है, ये हम आगे जाके इसके सिंबलिज्म और ये सारा कुछ पढ़ेंगे. और इम्परफेक्शन ऑफ आवर नॉलेज भी है, और डिस्टेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर को ये डिस्टेंस करती है. टाइम पासेस में हमने क्या देखा, रिवेजेस ऑफ वॉर देखा, मैन अगेंस्ट मैन देखा, मोर्टल मैन इज हेल्पलेस अगेंस्ट नेचर, द प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट फोर्स, और लाइट हाउस मोल्डिंग नेचर ऑफ ह्यूमन आफ्टर अचीविंग समथिंग, कॉन्ट्रेडिक्शंस ड्यूअल एस्पेक्ट्स इन लाइफ. Destinations that seem surest are something most unobtainable. Or molding nature of human hai after achieving something, contradiction, dual aspect in life hai. Destinations hai that seem surest all are something most unobtainable. Or jo hai destinations hai jo ke most unme se kaun si hai aisi destination hai jo unobtainable hai jo ke kabhi obtain nahi hoti. क्वेश्चंस हैं किसी के तो बेटा मुझसे यहाँ पे पूछ लीजिएगा. एक स्लाइड आप लोगों को और बढ़ानी थी, दैट वाज द सिंबल, और वो बहुत अच्छी स्लाइड बनी हुई है, वो जरा